सालों से आपने उनको 4x4 के कब्रों में रखा हुआ है, कैद रखा हुआ है। क्या आपके अंदर इंसानियत मर चुकी है? किस तरह आप लोगों की ये लोग तरबियत कर रहे हैं? वो कौन सी तरबियत है? वो कौन से अनासिर है जो आपको ये एक गैर इंसानी इंसानियत के दर्जे से नीचे अमल में करने में उकसा रहे हैं? हम तो यहाँ आए हैं आपकी जो आपकी इमारतें बनाई हैं, जो आप ओथ लेते हैं, जो आपने एक डकोसला एक ड्रामा रचाया हुआ है पूरी दुनिया के सामने, इस मुल्क के हर बंदे को आपने जो है ना इसी बात पर डराया, यहाँ कानून है, कानून की बालादस्ती है, यहाँ पुलिस है। हम तो आपसे यही सवाल करना चाहते हैं, कहाँ है आपका कानून? आप हमें क्यों इंसाफ नहीं दे सकते? 14 साल तक किसी बंदे को आपने अगवा किया है। आज हमारे पास वो लोग भी मौजूद है जिनके बेटों को आपने 2006 में अगवा किया है। 2006 से लेकर 2023 तक तो मैं बोलती हूँ कि उम्र कैद की भी सजा खत्म हो जाती है। अगर उसको किसी मिलिट्री कोर्ट में पेश किया गया है तो उसकी उम्र कैद भी अभी खत्म हो चुकी है। ये लोग तो लाशों का मुतालबा कर रहे हैं आपसे। आप में इतना जर्फ नहीं है कि आप इनको ये बता सके कि आपने इनके बंदों को मारा है, मार डाल दिया है? और किस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने क्राइम्स को? आप जो क्राइम्स कर रहे हैं इससे मैं समझती हूँ उन्होंने जो लापता अफराद की लवाइकीन को जबरी गुमशुदगी को जस्टिफाई किया, इंसानियत पर सबसे बड़ा धब्बा है। और वो लोग जो जिनके घर है, जिनके खानदान है, जिनके भाई हैं, जिनके बेटे हैं, उन सबको यहाँ से अंदाजा होना चाहिए कि बलूचिस्तान पर क्या गुजर रही है।